السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بشكل روزانا مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ आवाज आ ہے دو دن تین دن کا جو تجربہ ہے وہ بڑا خراب رہا تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ مجھے बिल्कुल सही से सुन पा रहे होंगे कंफर्म कर दीजिए मैं शुरू करता हूं इनशाला आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम होने वाला है और उसकी वजह यह है कि इस्लाम का जो क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है उसके ऊपर बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा एतराज होता है तो आज इनशाला उस एतराज की वजह क्या है उस ऑब्जेक्शन की वजह क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे और ये जो सिस्टम है इस्लाम का ये क्यों जस्टिफाइड है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे तो आज ज़रा गौर से सुनिएगा इनशाला कोशिश करूंगा कि जितनी देर में हम रोज़ाना तफसीर करते हैं उतनी ही देर में आज भी इस मौजू को समेट दिया जाए तो कुरान करीम की सूर मायदा आयत नंबर पैतालीस बल्कि मैं आयत नंबर फोर्टी फोर से शुरू करना चाहूंगा अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना अनजल तौरात तवरा त फीहा वनूर बेशक हमने तौरात नाजिल की थी फीहा हा वनूर के जिसमें हिदायत थी और नूर था बहुत से लोग इस आयत को पढ़कर यह कहते हैं कि अरे कुरान तो तौरात की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि तौरात में हिदायत है और नूर है तो फिर मुसलमान तौरात को क्यों नहीं फॉलो करते कुरान को क्यों फॉलो करते हैं जब उसमें भी हिदायत और नूर है दरअसल वो इस आयत का मफहूम सही तरीके से नहीं समझते अल्लाह क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमने तौरात नाजिल की थी इन्ना तौराता माजी में जिस वक्त कुरान ये नाजिल हो रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहा है उससे पहले तौरात नाजिल हो चुकी थी तो हमने नाजिल की थी और उस वक्त उसमें हिदायत और नूर थी नूर था लेकिन फिर उसके बाद यहूदियों ने उसमें तहरीफ कर दी जब उसमें तहरीफ कर दी डिस्टोर्शन हो गया तो अब जाहिर के एक किताब में ना तो हिदायत हो सकती है ना नूर लेकिन जब उसमें हिदायत थी और नूर था तो युन नबीमदी तमाम नबी जो अल्लाह के फरमाबरदार थे उसी के मुताबिक यहूदियों के मामलात का फैसला करते थे और तमाम अल्लाह वाले और भी इसी पर अमल करते रहे ये बात अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर कही है तो इससे यह साबित नहीं होता कि तौरात में आज भी नूर और हिदायत है और तौरात में तहरीफ नहीं हुई है डिस्टोर्शन नहीं हुआ है बल्कि इसी आयत से दो तीन आयतों पहले अल्लाह ते फरमाया है कि يحرفون रिफून يحرفون हर من अलकलीम्बादी مواضعه ये यहूदी वो लोग हैं कि जो अल्लाह के अल्फाज का मौका महल तय हो जाने के बाद भी उनमें तहरीफ करते हैं यानी जो अल्लाह के अल्फाज को बदल देते हैं तो अल्लाह ताला खुद ही पहले कह चुका है कि यहूदी और इनके जो रह, वो जो इनके जो उलमा हैं इनके जो स्कॉलर्स हैं वो तौरात के अंदर तहरीफ कर देते हैं हालांकि तौरात तो वो थी जिसको हमने नाजिल किया था और जिसके अंदर हिदायत थी और जिसमें नूर था अल्लाह ताला ने तौरात को प्रोटेक्टेड नहीं किया यही वजह है कि यहूदियों ने उसको उसमें तहरीफ कर दी उसमें बदल दिया जो कुछ भी बदलना था और इसी तरीके से इंजील भी अल्लाह ताजिल किया और इंजील को भी प्रोटेक्टेड नहीं बनाया प्रिजर्व नहीं किया यही वजह है कि ईसाइयों ने इंजील में भी जो तब्दीली करनी चाहिए कर दी और आज तक करते आ रहे हैं और खुद इस बात का एडमिशन करते हैं खुद इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि ये फला वर्जन है ये ये जेम्स जेम्स वर्जन है, जेम्स वर्जन है है किंग्स इसके अंदर ये आयत है, फला वर्जन के अंदर ये वर्स नहीं है तो आप किसी भी ईसाई स्कॉलर से पूछे हुए कहता है कि हाँ, हम लोग तो इसके अंदर चेंजेस करते आ रहे हैं लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर रोज अव्वल से आज तक एक हर्फ भी नहीं बदला है और ये हमारा दावा वैसे ही नहीं है आप इधर उधर लोगों की वीडियो सुनते हैं फालतू किस्म के लोगों की और वो आ, लोगों के जिलों में मुसलमानों के खूब दिलों में शक पैदा करते हैं झूठ बोलकर तो बहरहाल यह एक अलग मौजूद है कि -करीम में कोई तब्दील हुई है या नहीं उसके बाद अल्लाह अगली आयत में आयत नंबर पैतालीस में यह कहता है कि यह बात लिख दी थी हमने तौरात में यह बात लिख दी थी के के जान, जान। वही आँख के बदले आँख, والأنف بالأنف, नाक के बदले नाक, والأذن بالأذن, कान के बदले कान, والسن بالسن, और दांत के बदले दांत, والجروح قصاص. और जख्मों का भी इसके अलावा जो दूसरे जख्म हैं, इस उनका भी इसी तरह बदला लिया जाएगा. فمن تصدق بيه, हाँ, अगर कोई शख्स माफ कर दे, فهو كفارة لله, तो फिर ये जालिम के लिए या मुजरिम के लिए उ

ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीय में कैसे हुआ कुरान तो इसको रेफरेंस दे रहा है तौरात का तो इसका जवाब यह है इसका जवाब इसी आयत में और वो ये है कि इसी आयत में आखिर में अल्लाह ये कह रहा है कि जो भी अल्लाह ताला के इस बयान करदा नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करेगा वो जालिम है अब इसका ताल्लुक सिर्फ तौरात से नहीं रहा बल्कि रहती दुनिया तक जो भी इस कानून को नहीं मानेगा इस कानून के मुताबिक फैसला नहीं करेगा वो चाहे वो अब शरीयत हजरत ईसा की हो या हजरत मूसा की हो या नबी बढ़ने से पहले एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये जो फैसला करना है फैसला करने की ताकत आपके पास उस वक्त आएगी जब मुल्क आपका हो जब आपकी अपनी हुकूमत हो मुस्लिम मेजोरिटी हो आप अगर माइनोरिटी में कहीं हैं और वहां ये कहें कि नहीं हम तो जनाब अपना क्रिमिनल कोड लेकर आएंगे और तमाम लोगों के ऊपर हमारा क्रिमिनल कोड लागू होना चाहिए आप उसकी तहरीक चला दें अगर आप उसकी रैशनैलिटी को साबित कर रहे हैं और सामने वाला जो कि गैर मुस्लिम है या गैर मुस्लिम हुकूमत मसलन आपके निजाम को एक्सेप्ट कर लेती है ये जान कर के हाँ भाई ये बहुत ज्यादा जस्टिफाइड है और बिल्कुल ठीक है तो, तो बात अलग है लेकिन अगर हकूमत आपकी नहीं है और आपने हकूमत से यह मुहिदा किया हुआ है कि हम आपके कानून को मानेंगे और फिर आप ये तहरीके चलाएं कि नहीं जी हमारे कानून को सारी दुनिया के ऊपर नाफिज होना चाहिए तो ये चीज इंसाफ के खिलाफ होगी इंसाफ ये है कि मुसलमानों के जो अपने ममालिक हैं जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं वहां वो इस सजा को या इस कानून को लेकर आए तो वहां तो लेकर आते नहीं है पचास से जायद मुसलमानों के ममालिक हैं उनमें से दो तीन के अंदर ही शायद ये निजाम होगा इसके अलावा दूसरे ममालिक के अंदर ये निजाम नहीं है और जहां ये निजाम है वहां पर भी कोई आ, जो हंड्रेड परसेंट निजाम होना चाहिए वैसा नहीं है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है खैर, तो अभी इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि मुस्... गैर मुस्लिम ममालिक में ये सजा नाफिज होनी चाहिए या मुस्लिम ममालिक में नाफिज होनी चाहिए हम सिर्फ इन सजाओं की रैशनैलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये सजाएं रैशनल हैं या नहीं है कुरान ने देखिए चार दूद को बयान किया है और एक किसास को बयान किया है चार हदूद क्या है स, जो सजाएं कुरान और सुन्नत में आई हैं उनको हद बोला जाता है हद के माने आते हैं रोकना चूंकि सजाएं जुर्म को रोकती हैं तो इसलिए इनको हदूद बोला जाता है सिर्फ चार जुर्म जरा की सजा बयान की है पहली जुर्म पहली जो, पहला जो जुर्म है वह है चोरी चोरी की सजा है हाथ काटना दूसरा जुर्म है जिना जिना की जो सजा है वो ये है कि जो जिना करने वाला है उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाए उसके बाद जो तीसरी सजा है वह है शराब पीना शराब पीने वाले की भी सजा है यही कि उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाए चौथी जो सजा है वह है हद कजफ कजफ का मतलब आता है किसी पाक बाज इंसान को क्या कैरेक्टर असासीनेशन करना उसको एक्यूज करना उसको फॉल्सली ये कहना कि इस शख्स को मैंने देखा है कि ये जिना कर रहा था और जबकि वो जो जो इल्जाम लगाने वाला है वो अपने इस इल्जाम को साबित ना कर पाए तो इसको कजफ बोला जाता है तो जो जिसने इल्जाम लगाया और साबित ना कर पाए उसके ऊपर भी कोड़ों की सजा नाफिज की जाएगी ये चार सजाएं हैं जो इसके अलावा कोई दूसरी सजा कुरान और हदीस में बयान नहीं की गई है हाँ जो इर्तदाद की सजा है वो हदीस के अंदर आई है वो कुरान के अंदर नहीं आई है इरतदाद की सजा भी है मैं कुरान की सजाओं की बात कर रहा हूँ इसके अलावा फिर एक है है किसास, किसास का ताल्लुक डेथ पेनल्टी, यानी कत्ल से कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे को कत्ल कर दे तो, को किया जाएगा। ये किसास है। तो चार और एक, किसास इस तरह कुरान करीम के अंदर है। एक और चीज ये समझनी चाहिए अलावाम है मसलन इरतदाब की सजा है उसके ऊपर कई मरतबा मैंने गुफ्तू की है आज मैं उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूंगा इसका हदीस से हदीस के अंदर ये बात आ गई लेकिन इसके अलावा और भी जो जराइम होते हैं मुआरे के अंदर उनकी सजाओं का क्या तो वो जो सजाएं हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है मसलन पार्लियामेंट है या एम हैं एम हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या सजा होनी चाहिए ये जुर्म है इसकी सजा ये है इसको बोला जाता है ताज़ीर ताज़ीर और हद में फर्क ये है कि हद अल्लाह ताला की बयान करदा होती हैं और ताज़ीर गवर्नमेंट की तय करदा होती है पहला फर्क तो ये है दूसरा फर्क यह है कि अगर गवर्नमेंट यह तय करे कि इस जुर्म के ऊपर मसलन कोड़ों की सजा होनी चाहिए तो फुकाहा अब यहां पर जो जूरिस्ट हैं उनका इख्तलाफ है बास फुकाहा यह कहते हैं है, कि ज्यादा से ज्यादा कोड़ों की सजा दस हो सकती है यानी दस कोड़े मारे जा सकते हैं और बास जूरिस्ट ये कह सकते है, कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो थर्टी नाइन कोड़ों की हो सकती है उनतालीस कोड़ों की इससे ज्यादा नहीं हो सकती बहरहाल ये एक अलग मसला है कहने का मकसद ये है कि अगर कोड़ों की सजा दी जा रही है तो वो इतनी ही दी जा सकती है इससे ज्यादा नहीं दी जा सकती लेकिन स्टेट को रियासत को गवर्नमेंट को यह इख्तियार है कि वो सजा की संगीनी को देखते हुए इससे ज्यादा भी सजा दे सकती है जुर्म की संगीनी को देखते हुए इससे ज्यादा भी सजा दी जा सकती है मसलन कोई जुर्म इतना संगीन हो गया रेप है रेप इतना संगीन जुर्म है ये हदूद के अंदर नहीं आता तो अगर इतना संगीन जुर्म हुआ है तो गवर्नमेंट यह सेट कर सकती है कि रेपिस्ट को सजाए मौत दी जाए या इसी तरीके से सुदूमियत है सुदूमियत कहते हैं ये जो आ, यानी होमोसेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअलिटी की जो सजा है वो कुरान में नहीं है तो ये स्टेट डिसाइड करेगी अगर रियासत ने ये फैसला किया कि होमोसेक्सुअलिटी की सजा मसलन इम्प्रिजनमेंट है तो इम्प्रिजनमेंट होगी रियासत ने ये तय किया कि होमोसेक्सुअलिटी की जो सजा है वो मसलन कत्ल है तो कत्ल होगी ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कुरान ने इस चीज को वाजे नहीं किया है तो इसी तरीके से बिस्टियालिटी बिस्टियालिटी का मतलब है कि कोई आदमी इतना गिर गया इतना गिर गया कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी जानवर के साथ आ, वो आ, यानी बुरी हरकत करता है तो ऐसे शख्स के ऊपर जो सजा है वो भी कुरान के अंदर बयान नहीं की गई है वो सजा कम और ज्यादा हो सकती है बाज लोग ये कहते हैं कि ये इसकी सजा भी कत्ल है कि जिस आदमी ने यह हरकत की है उसको भी कत्ल किया जाएगा और बास हजरा कहते हैं कुछ और इसकी सजा हो सकती है, जैसा कि जिना की सजा है। तो कहने का मकसद बड़ा मैदान है और यह हकूमत के कंट्रोल में होता है जिस तरह पूरी दुनिया का निजाम है कि हर मुल्क की हकूमत सजाएं तय करती है कि इस जुर्म की यह सजा है इस जुर्म की यह सजा है लेकिन इस्लाम ने, ने सिर्फ चार जरा बयान की है और बयान किया है पांच चीजों की सजा बयान की है इसको सुनने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम आजकल जो सवाल होता है वो ये कि भाई इस्लाम की जो सजाएं हैं वो तो बड़ी वहशियाना है और बड़ी क्रूल है और वो इस तरीके से कि आज से हजार साल पहले दो हजार साल पहले जब तीन हजार साल पहले जब इंसान इतना ज्यादा मॉडर्न नहीं हुआ था प्रोग्रेसिव नहीं हुआ था उस जमाने की सजाएं आज के दौर में नाफिज की जाती हैं या आज के दौर में उन सजाओं को जस्टिफाई किया जाता है तो ये चीज़ गलत है चंद रूपों की खातिर अभी कुछ दिन पहले हमारी एक स्ट्रीम हुई थी उसमें एक साहब आए थे उन्होंने कहा कि चंद रूपों की खातिर यह छोटी सी अः किसी शख्स ने आ, चंद आ, या, या, बेहसी या बेकीमत माल की मसला उसने चोरी की दस दिन की चोरी की और उस पर उसका हाथ काट दिया जाए तो ये चीज तो नाइंसाफी है ये चीज गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए तो कुछ लोगों के जहन में यह सवाल आता है और अनफॉर्चुनेटली कुछ मुसलमान इस प्रोपेगंडे का शिकार हो जाते हैं कि इस्लाम की जो सजाएं हैं वो बहुत क्रूल हैं और बहुत ज्यादा वहशियाना हैं ये सजाएं नहीं होनी चाहिए थी इसका जो जवाब है वो ये है कि हम सबसे पहले इस पर नजर करें और इस पर गुफ्तु करें कि जो लोग ये नजरिया रखते हैं कि इस्लाम की सजाएं वहशियाना है वो दरअसल क्या नजरिया रखते हैं उनका नजरिया क्या है वो किस माइंड के हैं उनका वर्ल्ड व्यू क्या है देखिए जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं मसलन वेस्टर्न कंट्रीज अक्सर कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं अमेरिका है यूरोप यूरोपियन कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया है या इसके अलावा वो ममालिक जो इन मुल्कों से मुतासर हैं वो सारे के सारे वेस्ट में आते हैं चाहे वो ईस्ट में हो वो सब के सब वो ममालिक हैं जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को और वेस्टर्न साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं जुर्म किसको कहा जाता है जुर्म कहा जाता है ऐसी किसी हरकत को कि जिससे मुआशरा मुतासर हो जिससे पूरी सोसाइटी मुतासर हो उसको जुर्म कहा जाता है अब ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मानने वाले ममालिक नजदीक इंसान की इंडिविजुअल की फर्द की आजादी ज्यादा अहम है हकूमत की आजादी के मुकाबले में यही वजह है कि हकूमत को फर्द की इंडिविजुअल के आजादी के मुकाबले में ज्यादा आजादी नहीं होती फर्द की और इंडिविजुअल की आजादी आगे रखी जाती है अब एक आदमी ने कोई जुर्म किया तो उसके बारे में यह तस्वर कर लिया जाता है कि चूंकि माहौल बहुत खराब है वो जहनी तौर पर मुतासर हो सकता है माहौल ने उसको मुतासर किया है लिहाजा ये जो मुजरिम है इस ये हमदर्दी का मुस्तक है और हमदर्दी इस तरह की जाएगी कि हम उसको इस तरह की सजा नहीं देंगे कि उसका हाथ काट दिया जाए या उसके ऊपर डेथ पेनल्टी लगाई जाए बल्कि हम उसको जेल में डालेंगे और जेल को जेल नहीं कहा जाएगा बल्कि जेल को कहा जाएगा करेक्शन सेंटर तो हम इनको करेक्शन सेंटर में डालेंगे अब यहां दस साल रहेंगे बीस साल रहेंगे पच्चीस साल तीस साल जो भी है और बाज हालात में पचास साल तो ये करेक्ट होकर निकलेंगे और जब ये निकलेंगे वापस तो मुआरा इनको बहुत आसानी के साथ ये मुआरे में एडजस्ट हो सकते हैं इसको बोला जाता है साइको एनालिसिस जो जुर्म की का साइको एनालिसिस किया जाता है साइको एनालिसिस यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस वो ये किया जाता है कि ये जो मुजरिम है इसने खुद से जुर्म नहीं किया बल्कि माशरे में जो चीज़ें फैली हुई हैं उससे मुतासर होकर इसने जुर्म किया है लिहाजा ये मुजरिम हमदर्दी का मुस्तक है लिहाजा इस बुनियाद पर इसको रिहैब सेंटर भेजाना जा, भेजा जाना चाहिए करेक्शन सेंटर भेजा जाना चाहिए यह नहीं कि आपने उसका हाथ काट दिया या आपने उसके ऊपर कोड़े बरसा दिए ये ये गलत है ये है वेस्टर्न माइंडसेट, वेस्टर्न आइडियोलॉजी अब आप देखें कि इस आइडियोलॉजी को अगर हम कामयाब माने तो हमें कुछ स्टेटिस्टिक्स देखने पड़ेंगे कि ये वाकई कामयाब है या नहीं ये तरीका कार कामयाब है या नहीं ये जो आइडियोलॉजी है यह बहुत से ममालिक में पचास साल साठ साल दो सौ साल से राइज है तो इन सालो, इतने सालों सालों इतने के अंदर ये तरीका कहां तक कामयाब रहा एक अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस है उसके उसके आदाद और शुमार है हैं वो ये के इस तरह के जो मुजरिम है जिनको करेक्शन सेंटर में भेजा जाता है या जिनको सेंटर में भेजा जाता है जब ये वापस निकलते हैं तो पहले साल में फोर्टी फोर परसेंट ये जो कैदी वापस आते हैं में पहले साल में फोर्टी फोर परसेंट दोबारा करते हैं या दोबारा पकड़े जाते हैं साल वाले लोग दोबारा वही जुर्म का करते हैं और पांच साल में सेवेंटी सेवन परसेंट ये लोग वही जुर्म का करते हैं उसी काम को रिपीट करते हैं तो पांच साल के अंदर अंदर सेवन सेवन परसेंट वो इनमेट्स कि जो दस साल बीस साल पंद्रह साल जितने भी साल हैं करेक्शन सेंटर में गुजार कर आए हैं वो करेक्ट नहीं हुए 77 परसेंट करेक्ट नहीं हुए और इन करेक्शन सेंटर्स के ऊपर जेलों के ऊपर हुकूमत का कितना सरमाया और कितनी दौलत लगती है ये आप हुकूमत के जो स्टेटिस्टिक्स उठाकर देख लीजिए कि एक, एक जेल के ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर लगते हैं इन्वेस्टर्ट कंट्रीज में तो पूरे मुल्क के जो बजट का एक बड़ा हिस्सा इन करेक्शन सेंटर में जाता है इसके बावजूद भी जो कैदी है वो करेक्ट नहीं हो रहे 77 वापस वही जुर्म करते हैं इतने साल करेक्शन सेंटर में बिताने के बाद उसके मुकाबले में आप सऊदी अरब का डेटा उठाकर देखिए अच्छा ये जो जेल से निकलने के बाद दोबारा जुर्म का इरतिकाब करना इसको बोला जाता है रेसिडिविज्म रेसिडिविज्म तो आप रेसिडिविज्म रेशियो या रेट डालेंगे गूगल के ऊपर तो यानी तीन से चार परसेंट लोग दोबारा वही जुर्म का कर रहे हैं कि जिस जुर्म में उनको पकड़ा गया था और उनको उनके ऊपर सजा नाफी की गई थी सऊदी अरब में सजाएं बड़ी सख्त है तो तीन से चार परसेंट लोग वही जुर्म कर रहे हैं सऊदी अरब में जबकि अमेरिका में 77% परसेंट वही जुर्म कर रहे हैं वो करेक्शन सेंटर से आ रहे हैं और सऊदी अरब में जो सजाएं हैं वो ज्यादा सख्त हैं यूएस के मुकाबले में और यूरोप के मुकाबले में तो ये डेटा सबके सामने खुदी इसको देख लिया जाए कि कौन सी सजा ज्यादा सक्सेसफुल है और कौन सी सजा टोटल फेलियर है इस्लाम का जो नक नजर है वो ये है इस्लाम साइको एनालिसिस भी करता है लेकिन महज मुजरिम को के साथ हमदर्दी का तस्वूर इस्लाम में नहीं है कि बस खाली मुजरिम के साथ हमदर्दी करते रहो और और कुछ नहीं ऐसा नहीं है इस्लाम का जो तस्वूर है वो ये है देखिए एक इंसान के अंदर दो तरह की पावर्स होती हैं या दो तरह के इरादे होते हैं विल पावर एक को कहा जाता है डायनेमिक एनर्जी और एक को कहा जाता है कंट्रोलिंग एनर्जी डायनेमिक एनर्जी का मतलब यह होता है कि जो चीज आपको किसी काम के करने पर उभारती है इसको हम उर्दू में कहते हैं कौवत मुहर्रिका कि जो चीज आपको किसी काम के करने पर उभारे चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो ये डायनामिक एनर्जी है और कंट्रोलिंग एनर्जी का मतलब ये है कि कोई चीज आपको, आपको किसी काम के करने से रोक रहा है मसलन आपके हाथ में गन है और आप किसी को शूट कर सकते हैं लेकिन आपका जमीर यह कह रहा है कि शूट मत करो यह गलत है वो आदमी मासूम है उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा तो आप उसको क्यों जान से मार रहे हैं यह है कंट्रोलिंग एनर्जी तो ये जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है ये सिर्फ एक एनर्जी को देखती है यानी कुत मुहर्रिका को डायनामिक एनर्जी को कि ये जो डायनामिक एनर्जी है ये माहौल से मुतासर हो गई है लिहाजा ये शख्स हमदर्दी का मुस्तक है जबकि इस्लाम कंट्रोलिंग एनर्जी को भी देखता है और डायनामिक एनर्जी को भी देखता है इस्लाम ये कहता है कि ठीक है आपने जुर्म किया है माहौल से मुतासर होकर लेकिन आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया आप में कंट्रोलिंग एनर्जी भी तो थी और जब आपने कंट्रोलिंग एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया तो आप हमदर्दी के मुस्तक कैसे हो सकते हैं इस्लाम दोनों एनर्जीज को देखता है और वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो सिर्फ एक एनर्जी को देखती है वह है आगे बढ़ता हूं इस्लाम में जो सजाओं का सिस्टम है वो यह है कि पहले माहौल को इस तरह कर दिया जाए कि एक आदमी जुर्म करे ही ना मसलन एक मुल्क है आप कतर की मिसाल ले लीजिए कतर एक छोटा सा मुल्क है और दुनिया के अमीर तरीके में आता है मान लीजिए कल को वहां पर इस्लामी 100 इस्लामी हो जाएं, चोर का हाथ कटने लगे वगेरा वगेरा। उस मुल्क में बसने वाले जो उसके बाशिंदे हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि उनको चोरी की जरूरत नहीं है खाते पीते लोग हैं दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं इसके बावजूद अगर कोई आदमी चोरी करता है तो इसका मतलब यह है कि उसके नफ्स में खबासत है अब जब माहौल ऐसा है कि आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है तो आपने चोरी की क्यों और फिर जब ऐसा आदमी चोरी करता है कि माहौल भी से, वो माहौल से मुतासर नहीं हुआ बल्कि उस अपने नफ्स की की खबासत वजह से उसने चोरी की तो उसके ऊपर सख्त से सख्त सخस सजा नाफिज होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा ये काम और ये हरकत ना कर सके तो इस्लाम ये कहता है कि या मसलन मसल है तो इस्लामी हुकूमत पहले ये करेगी कि जिनाब के ऊपर उभारने वाले जो काम है सबसे पहले उनको साफ किया जाएगा मिसाल के तौर तो पर माहौल को मुआरे को पाकिजा बनाया जाएगा जो साइट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा जो पब्स हैं उनको खत्म किया जाएगा में या इसी तरीके से नौजवानों को अगर इस तरह की मूवीज और वीडियोज का एक्सेस है वो खत्म किया जाएगा यानी मुआरे को पाकिजा बनाया जाएगा जब मुआरा पाक साफ हो गया अब कोई आदमी अगर जिना करता है तो वो अपने नफ्स की खबासत की वजह से करता है वो मुआरे से मजबूर नहीं है जब वो मुआरे से मजबूर नहीं है और उसने अपने नफ़ की खबासत से उस, आ, उसको जुर्म किया है तो ज़ाहिर का सजा तो सख्त दी जानी चाहिए ये आदमी अब हमदर्दी का मुस्तक नहीं यही वजह है कि हजरत उमर रदी अल्लाहान का मैं एक वाक्य आपको सुनाता हूँ उमर रदी अल्लाह अपने अपनी सख्ती की वजह से मशहूर है एक मौके पर जब वो खलीफा थे तो कुछ लोगों ने एक औरत की ऊँटनी चुराई और उसको ज़िबा किया और गोश्त खा लिया ये एक सहाबी थे हातिब अभी बलता रजी हाथीब ये लोग इनके गुलाम और नौकर थे जिन्होंने चोरी की थी चोरी पकड़ी गई हजरत उमर रदी अल्लाह के यहाँ केस आया हजरत उमर रदी अल्लाह ने फैसला किया कि भाई इनके हाथ कटेंगे इन्होंने चोरी की है बाद में पता चला यानी अभी चोरी अभी हाथ कटे नहीं थे हजरत उमर रदी अल्लाह ने फौरन इन्वेस्टिगेशन किया कि ये कौन है तो पता चला कि हातिब इबन अबी बलता के ये गुलाम हैं नबी बलता के बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया कि वो अपने नौकरों को जितना खाना देना चाहिए उतना नहीं देते बल्कि फाके करने पड़ते हैं नौकरों को तो इन फाकों की वजह से इन्होंने चोरी की हजरत उमर रजी रली फौरन उस सजा को खत्म कर दिया कि हाथ नहीं कटेंगे बल्कि हातिबिबन अबी बलता के ऊपर फाइन किया कि तुमने जिस जिस, जिस आ, जिसका ऊंट चोरी हुआ है तुम उसको दो ऊंट दो और ये तुम्हारे ऊपर फाइन है ये तुम्हारे ऊपर जुर्माना है तो हजरत उमर रदी का यह अमल रहा इससे यह हमें पता चलता है कि अगर माहौल की वजह से मसला भूख की वजह से या माहौल खराब है उसकी वजह से कोई आदमी उससे मुतासर होकर जुर्म करता है तो अब ये जो आखिरी दर्जे की सजा है ये जारी नहीं की जाएगी लेकिन एक कतरी है मसला कतर में हर आदमी जो सिटीजन है वो इतना अमीर है कि पूरी दुनिया के हर मुल्क के लोग एक तरफ और कतर के लोग एक तरफ इसलिए इंडेक्स में वेल्थ इंडेक्स में कतर नंबर वन या नंबर टू है शायद तो लखोपति आप हैं आप कतरी सिटीजन हैं आप लखोपति हैं आपके पास लाखों डॉलर हैं हकूमत आपको इस तरीके से नवाज रही है मैं अपना एक वाकया बताता हूँ एक कतरी सिटीजन के बारे में मैं इंडिया जा रहा था तो मेरे साथ जहाज में एक कतरी सिटीजन अपनी फैमिली के साथ दाखिल हो रहा था उसकी फैमिली में शायद तीन या चार बच्चे थे तो वो अरबी नहीं जानता था और वो वो इंग्लिश नहीं जानता था और जो क्रू है वो अरबी नहीं जानता था तो मैंने ट्रांसलेटर का काम किया तो बहरहाल उससे तारुफ हो गया तो मैंने उससे पूछा कि भाई अमेरिका से आप वापस जा रहे हैं कतर तो यहां के सिलसिले में आना हुआ था तो वो कहने लगा कि मैं अपने बेटे के इलाज के लिए आया था गुजशत तीन चार महीने से हम यहां पर थे कतरी हुकूमत ने हमारी पूरा खर्चा उठाया हमें टिकट दिए बिजनेस क्लास के पूरी फैमिली को और हमें यहाँ होटल में ठहराया हॉस्पिटल्स का जो मुकम्मल खर्चा था वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर तो गवर्नमेंट इस तरीके से अपने सिटीजन को खिलाती है इतना जबरदस्त वेलफेयर सिस्टम है तो जब इतना जबरदस्त वेलफेयर सिस्टम है और हर आदमी के पास हजारों नहीं लाखों डॉलर हैं बेहतरीन बंगले हैं जबरदस्त गाड़ियां हैं कोई कोई टेंशन नहीं है अब अगर इसके बावजूद सिटीजन चोरी करता है तो वो किस चीज से मुतासर हुआ है किस माहौल से मुतासर हुआ है क्या उसको भूख लगी इसलिए उसने चोरी की या उसके पास पैसों की कमी हो गई थी इसलिए उसने चोरी की उसने सिर्फ इसलिए चोरी की कि उसके नफ्स में खबासत थी लिहाजा अब सख्त से सख्त सजा नाफिज होनी चाहिए इसकी दलील ये है कि रसूल वसल्लम ने यह फरमाया कि इदराउल हुदूद बिशुबुहात कि अगर जरा भी डाउट हो तो फौरन हुदूद को नाफिस होने से रोक दो अब यहां डाउट हो गया कि एक आदमी ने मसलन चोरी की है भूख की वजह से हजरत उमर रजी रदीन के दौर का जो मैंने वाक्य सुनाया हजरत उमर रजी रदी ने फौरन उस सजा को रोक दिया आजकल होता क्या है कि अगर किसी मुल्क में इस्लामी निज़ाम कायम हो भी जाए जुडिशल सिस्टम तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, को नाफिस करते हैं. माहौल को नहीं, माहौल को सही नहीं करते हैं. माहौल को सही करने से पहले अगर को नाफिस कर दिया जाए, तो जाहिर है कि हाथ भी कटेंगे लोगों के और उनके ऊपर कोड़े भी लगेंगे और उन ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी पहले माहौल को सही करना जरूरी है जब माहौल सही हो जाएगा तो अब अगर कोई शख्स अपने नफ्स की खबासत की वजह से जुर्म करता है तो सजा दी जाए लेकिन अगर कोई आदमी माहौल से मुतासर होकर सजा जुर्म का इतकब करेगा तो उसके ऊपर ये सजाएं नहीं है यही वजह है अब मैं आपको जो बता रहा वो बड़ा शॉकिंग है इस्लाम की इब्तदाई 400 सौ साल तारीख में कितने 400 सौ साल तारीख में सिर्फ छह मरतबा चोर के हाथ कटे हैं सिर्फ छह इंसिडेंट ऐसे हैं कि जिसमें चोर का हाथ काटा गया चार सौ साल तारीख में क्या चोरी नहीं हुई चोरी यकीन हुई होगी बहुत सी मरतबा हुई होगी लेकिन हर मरतबा चोर का हाथ क्यों नहीं काटा गया इसलिए नहीं काटा गया कि वो किसी माहौल से मुतासर था उसको कोई दूसरी सजा दी गई होगी लेकिन चार सौ साल में अगर छह मरतबा यह सजा दी गई है उसका मकसद ये है कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि यह सजाएं लोगों को दी जाए इस्लाम ये चाहता है कि यह सजाएं मौजूद हों ताकि लोग जुर्म ना करें और मैं आपको गारंटिड बता रहा हूं इंडिया जो है इस वक्त रेप में नंबर वन है रेप क्राइम में दिल्ली को कुछ साल पहले दो तीन साल पहले एक आ, सोशल मीडिया के ऊपर बात चली थी द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इतना ज्यादा रेप दिल्ली में होता है आप एक मरतबा और मैं हमेशा देखता हूं कि जैसे ही कोई वाकया इंडिया में होता है कि जिसमें किसी लड़की का ब्रूटली रेप कर दिया गया और उसमें कोई बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व है कोई पॉलिटिशियन है तो खुद मैंने हिंदुओं को यह कहते हुए और ये लिखते हुए आ, देखा है कि भाई इस्लाम का सिस्टम लेकर आओ फिर देखो और ये बात हकीकत है कि आप एक मरतबा रेपिस्ट को वो सजा दे दें कि जो इस्लाम में है इंडिया में एक रेप इसको मिल जाए तो आप देखेंगे कि पूरा मुल्क रेप के इस जुर्म से पाक हो जाएगा तो सजा जो है इस्लाम में वो इसलिए नहीं है कि सजाएं दी जाएं बल्कि इसलिए है कि जराइम को रोका जाए अब जब ये मकसद है तो आप ये देख लें कि मखरबी ममालिक में वेस्टर्न कंट्रीज में या इंडिया में या उन ममालिक में जो वेस्टर्न कंट्रीज के जुडिशरी सिस्टम से मुतासर है या क्रिमिनल कोर्ट से मुतासर है उन ममालिक जो जराइम दी सजाएं दी जाती हैं क्या वो कामयाब है या मुस्लिम मुमालिक के अंदर जहां इस्लामी निजाम कायम है सजाएं दी जाती हैं वो कामयाब है आप अगर इसका डेटा करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी सजाएं माशरे के लिए बेहतर हैं और कौन सी सजाएं मुआरे के लिए बेकार हैं इसलिए इस्लाम ने इतनी सख्त सजाएं रखी है यह है इस्लाम का क्रिमिनल कोर्ट बाकी इसके अंदर डिटेल बहुत ज्यादा है कि कौन सी सजा का कौन से जुर्म की कौन सी सजा होनी चाहिए उसके पीछे क्या लॉजिक है आज का मौजू ये नहीं है मुख्तसरन मैंने आपको इस्लाम का जो क्रिमिनल कोड है उसकी रेशनैलिटी को बयान कर दिया है और मगरबी ममालिक की जो प्रॉब्लम है उसको भी बयान कर दिया है उम्मीद है कि आप हजरात का जो मिसकनसेप्शन है वो क्लियर हो गया होगा जी हाँ तो अब आपके एक दो सवाल ले लेते हैं कोई अहम सवाल अगर हो तो बाकी जो ट्रोलर्स हैं उनकी तो मैं परवाह नहीं करता हूं दी, दीन आप दीन मिश्रा है ना वही पंडित मलहित क्या नाम है पंडित एथिस्ट कह रहे हैं, मुफ्ती साहब तो कुछ और समझा रहे हैं इनका एक सवाल ले लेते हैं मुफ्ती साहब तो कुछ और वैसे आप का फोटो लग रहा है आपने खूब सनग्लासेस वगैरह लगा रखे हैं पंडित तो नहीं लग रहे हैं आप खैर चले मुफ्ती साहब तो कुछ और समझा रहे हैं आंख के बदले आंख वाला तरीके से अलग फिर कुरान गलत बोल रहा है इसको कहते हैं

और गलती से उसकी आंख फूट गई तो आप फौरन जिसने पंच किया है उसकी आंख निकाल लें नहीं बल्कि उसके जो असबाब हैं उसके पीछे जो काजेज हैं और जो मुआशरा है उसको स्टडी किया जाएगा तब जाकर ये सजा नाफिज होगी लेकिन देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक वाक्य मैं आपको सुना दू एक औरत थी जिसका नाम है रबी बिन नजर उसकी किसी खातून से लड़ाई हो गई और लड़ाई में उसने पंच मारा और सामने वाली दूसरी दूसरी औरत थी उसका दांत तोड़ दिया केस रसूल वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो आपने कहा इन्वेस्टिगेट करने के बाद कि भाई ये जो औरत है रबी इसका दांत तोड़ा जाएगा तो रबी के एक भाई थे उनका नाम था अनस बिन नजर वो आए और उन्होंने कहा कि या रसूल रबी का दांत तोड़ा जाएगा ऐसा ना करें यानी उन्होंने सिफारिश की रसूल से तो ने फरमाया कि कि की किताब में लिखा हुआ है कि बदला लेना तो बदला लेना है तुम कैसे रोक सकते हो तो फिर हुआ ये कि जो औरत थी कि जिसका दांत तोड़ा गया था उसने खुद ही माफ कर दिया जब माफ कर दिया तो रबी का के ऊपर सजा नाफिज नहीं हुई तो अब आप देखिए इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सिफारिशी की सिफारिश नहीं सुनी इट ड मैटर कि सिफारिश करने वाला कौन है अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह का हुक्म नाफिस होगा उसके बाद दूसरी बात हमें इस वाक्य से यह पता चली कि अगर विक्टम माफ कर दे तो सामने वाले को माफ कर दिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा जो हमारा वेस्टर्न क्रिमिनल कोड है उसमें विक्टम के माफी करने का कोई मतलब नहीं है मिसाल के तौर पर अगर किसी के खिलाफ जुर्म हुआ है और उसने चार्जिस प्रेस कर दिए चार्जिस प्रेस करने का मतलब यह कि दफात उसके खिलाफ नाफिज हो गई यानी मुजरिम के खिलाफ अब अगर विक्ट कहे कि नहीं मैं नहीं चाहता कि इसको सजा मिले आप ये नहीं कह सकते आप ये तो कह सकते मैंने झूठ बोला और जब आप ये कहेंगे मैंने झूठ बोला तो अब आपके खिलाफ सजा नाफिज हो जाएगी मैं अमेरिका का कानून का बता रहा हूं अमेरिका में मसला आपको आप सड़क पर चल रहे हैं आपको किसी ने पंच मारा आपने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस ने चार्जेस प्रेस कर दिए चूंकि आपको पंच मारा गया अब आप अदालत में जाए और यह कहें कि नहीं जी मैं माफ करता हूं यह आपको इख्तियार नहीं है हाँ आप अदालत में जाए और यह कहें कि नहीं मैं इसने पंच नहीं मारा मैंने गलत कहा तो अब जो चार्जेस प्रेस हुए हैं मुजरिम के खिलाफ वो ड्रॉप हो जाएंगे और आपके खिलाफ चार्जेस हो जाएंगे फॉल्स रिपोर्टिंग के और आपको सजा मिल जाएगी इस्लाम में यह नहीं इस्लाम में यह कि अगर आपने रिपोर्ट कर दिया जुर्म उसके बावजूद भी आप माफ करना चाहते हैं तो माफ कर सकते हैं तो ये अब एक सवाल ये आ रहा है कि मुस्लिम ममालिक में ये सज़ा नाफिज क्यों नहीं होती कोई खास वजह यह अच्छा सवाल है कि मुस्लिम ममालिक में ये सजा नाफिज क्यों नहीं होती ये सजा नाफिस इसलिए नहीं होती कि मुस्लिम ममालिक में जो लीडरान हैं वो नाम के मुसलमान हैं वो पढ़े हुए और परवरदा कहाँ के हैं वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी वेस्ट के दिलदादा हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के परवरदा हैं वो कैसे इस्लामी अहकाम को नाफिस कर सकते हैं इतना जस्ट और फेयर सिस्टम है और मुस्लिम पॉपुलेशन है मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसको बहुत आसानी के साथ नाफिज किया जा सकता है सऊदी अरब में कुछ सजाएं हैं इस तरह की मुकम्मल वहां भी नहीं है लेकिन जितनी भी हैं उसी पर पूरी दुनिया के पेट में दर्द रहता है कि अरे वहाँ कत्ल कर दिया जाता है अगर अरे वहां हाथ काट दिया जाता है हालांकि वहाँ जितने जराइम के ऊपर कंट्रोल है दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है मैंने जैसे भी बताया कि जो आ, यानी जो रेसिडिविज्म का रे, जो रेशियो है वो तीन से चार परसेंट है अच्छा एक साहब सवाल कर रहे हैं अरमान मुफ्ती साहब वो कोड क्या था वो कोड क्या था जो आपने सही मुस्लिम साहब के साथ डिस्कस किया था लाइव में वो कोड नहीं बताएंगे अभी बता दिया तो क्या फायदा वो तो एलिजिबिलिटी टेस्ट था आप वो कोड निकालें और उसके बाद अब आप एलिजिबल हैं कुरान करीम का मुकाबला करने के लिए तो अभी हमने कुछ टाइम दे रखा था मैं समझा मैं समझता हूँ रमजान के बाद इनशाला उसको डिक्लेयर करेंगे वो कोड क्या था चले ठीक है तो एक साहब कह रहे हैं कि रेप इज नॉट अ क्राइम इन स्पेसिफिकलीशन प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद अडल्ट्री जिना बिल्कुल सही कह रहे हैं कंफ्यूज आपको नहीं किया जाएगा इल्ला ये कि आप खुद ही कंफ्यूज हो मैंने शुरू में ही बयान कर दिया शायद आप नहीं आए थे उस वक्त कि इस्लाम में दो तरह की सजाएं हैं एक है खुदूद और एक है ताजी हदूद के अंदर सिर्फ चार चीजें आती हैं जिना है चोरी है शराब पीना है और इसी तरीके से फॉल्स एक्यूजेशन है इसके अलावा जो चीज है वह ताजीर में आती है तो रेप ताजीर के अंदर आता है ये स्टेट डिसाइड करेगा कि रेप की सजा क्या होगी रेप की सजा अगर कतल है तो इस्लाम उसको एक्नोलेज करता है यानी इस्लाम ने शरीयत ने रियासत को हकूमत को ये इख्तियार दिया है कि इन चार चीजों के अलावा जो भी जराइम होते हैं उसकी सजा स्टेट पे करे वो कितनी ही ज्यादा संगीन सजा हो सकती है वो डेथ पेनल्टी हो सकती है वो स्टोनिंग टू डेथ हो सकती है कुछ भी हो सकता है ये स्टेट डिसाइड करेगा कि सजा क्या है है ठीक अपोस्टसी लॉ के बारे में, में मेरी पूरी एक वीडियो है उस पर आप जाके देख सकते हैं आज के लिए इतना ही इंशाला मैं समझता हूं कि बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और मिस्टर कन्फ्यूज कंफ्यूज नहीं हुए होंगे तो बिल्कुल दो और दो चार की तरह मैंने बात वाजे कर दी है Uh, अब इनशाला कल आपसे मुलाकात होगी मेरी ख्वाहिश तो ये रहती है कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल ले लूं और लिंक आम कर दू और आप लोगों से गुफ्तु भी हो uh, क्या नाम है इनका भाई ये मिस्टर नहीं ये नहीं कहाँ चले गए अरे हाँ ये सो इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेनशन यानी आप ये मुतालबा कर क्यों रहे हैं कि नहीं हर हर जुर्म का ही सजा जो है वो

के सजा की तय करने का इख्तियार किसको है तो कुरान और सुन्नत में यह बयान कर दिया गया कि इन चार सजाओं के अलावा जितनी भी सजाएं हैं उनको सेट करने का इख्तियार हुकूमत को है तो अब हुकूमत तय करेगी तो ये चीज भी इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन और कुरान और हदीस के मुताबिक ही है ठीक है तो मैं समझता हूं कि अब बात क्लियर हो जानी चाहिए चले जजाकुमुल्ला खैरन सी टुमारो इंशाअल्लाह सबक फिर पड़ सजाफत का, का शजावत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का सबक फिर पड़ सजाफत